अरे भाई अभी देखा है, लाल पत्ते नहीं है भाई, कुछ और ही फूल टाइप में लगा हुआ है पत्ते तो। और गाइस ये वाले किसी ये कौन से पापड़ हैं? पूरी दुनिया को पता होगा कि ये क्या है। मैं कहा और हम तीन लोग जा रहे हैं, देखो दो लोग ये आ गए यहाँ पे। ये इतनी सारी बाइक खड़ी यहाँ पे देखना चारों तरफ, और लाइन से भी आते जा रहे हैं। देखो गाइस पानी में डालने वाला फूल पानी में हरा हो जाता है। ये मोह तुम बना क्या रहे हो? हेलो गाइस वेलकम बैक टू द ब्लॉग। अभी भाई हम देखो हैं ऑटो में, और ये मेरी ये बोतल देखो, ये यहाँ पे साइड में थी बैग में, और ये निकल गई पता नहीं कैसे, और लुढ़कते हुए किनारे एक ट्रक के पास रुक गई जाके। फिर हम उसको दौड़ के उठाया ऑटो रुकवा के, बट इसमें ना कुछ स्क्रैचेस आ गए हैं। फिलहाल लोहे की है तो फूटी वूटी तो नहीं है, बट यहाँ पर लग गई है फिलहाल, इसके मतलब पर की। अरे यार लोहे की नहीं स्टील की है मतलब। कुछ भी बोल दिया। और आज हम काफ़ी लेट हो गए शॉप जाने के लिए, 10:15 तो यहीं हो गया। उसका रीज़न ये ना कि सुबह सुबह हमारा सिलेंडर ख़त्म हो गया था, तो हमको जाना पड़ा फिर सिलेंडर लेने के लिए दीदी यहाँ पे। तो वहाँ से सिलेंडर लाए, तो फिर हम उसको उठा के घर पे रखे, फिर नाश्ता किया, फिर निकले। मंदिर हम पहले आए थे, ये सीन है। तो पहुँच गए हैं भाई महिला थाने के पास, ये महिला थाना ये समझो। और आज ना वो है सेकेंड सैटरडे जो होता है, मतलब आज तो वैसे चौथा है बट है सेकेंड इसको माना जाएगा। तो इस चक्कर में सब सन्नाटा रहेगा कचहरी में। फिलहाल SP ऑफिस महिला थाना तो खुला रहेगा, बाकी उधर सन्नाटा रहेगा। आज सोच रहे थे कि ना जाए, फिर सोचा कि चलो घर पे क्या ही करेंगे, जल्दी निकल लेंगे वहाँ से, तो इसलिए हम निकल आए। और ये देखो लाल लाल पत्ते हैं भाई इस वाले पेड़ में, तो पता नहीं काहे का है ये, लेकिन बहुत प्यारा लग रहा है। अरे भाई अभी देखा है लाल पत्ते नहीं है, कुछ और ही फूल टाइप में लगा हुआ है, पत्ते तो इसके हरे हैं, और पत्ते तो दिख भी नहीं रहे इस पेड़ पे, सब लाल लाल यही तो दिख रहा है, पता नहीं क्या लगा हुआ है, देखो नीचे पड़ा है। अजीब सी चीज़ है भाई ये, मस्त है जो भी है, देखने में तो अच्छा लग रहा है, लेकिन है क्या है पता नहीं, काहे के फूल हैं। देखो भाई ये भी आ गया सामने दुकान वाला। अपने कंप्यूटर पे हमेशा नजर रखनी चाहिए गाइस। तो आ गए हैं शॉप पे, हम मिलते हैं आप लोगों से शाम को, चलो। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। गुड इवनिंग गाइस। तो अभी हो चुकी है शाम और हम शॉप से निकल चुके हैं। इतने सारे लोग यहाँ पे देखो लाइन से बैठे हैं, सामने शनिदेव जी का मंदिर है, इतने सारे लोग यहाँ पे अक्सर लोग बैठे रहते हैं, तो आज शनिवार है तो यहाँ पे बैठे हैं। और ये मतलब क्या बताएं इनके बारे में, ऐसे कुछ लोग देते हैं इनको दान पुण्य करते हैं अपना खाने पीने के लिए, तो वही लोग हैं। आज बड़े दिन बाद हमको दिखे, सोचा कि इसका ब्लॉग बना लेते हैं, वैसे तो काफ़ी दिन से दिखे नहीं थे, बट आज दिक्कत उनका ठीक है बना लेते चलो। तो भाई अभी आ गए हैं घर पे, शाम हो चुकी है पूरी तरीके से, एंड फिलहाल अभी आपको हम दिख रहे होंगे, दिख रहे हैं ना? हाँ, दिख रहे हैं। ये देखो यार बंदर कितना नुकसान कर देते हैं, यहाँ पे पापड़ से फैला के चले गए, यहाँ पे साबूदाना के पापड़ बने थे हमारे यहाँ, ये देख लो आप इसमें घुनिन से लगे हुए हैं। अरे पता है। और गाइस ये वाले किसी ये कौन से पापड़ हैं? देखो भाई ये हैं गोबर के बल्ले बोलते हैं इनको, ये जो होली का दहन होगा ना 7 तारीख को रात में, पूरी दुनिया को पता होगा कि ये क्या है। हाँ सही कहा, तो रात में ना वहाँ पे डाले जाएंगे बल्ले, पड़ते हैं फिर इनमें आग लगती है होली में, होलिका दहन में, तो सभी घर से थोड़े थोड़े करके जाया करते हैं, तो इसी जाएगी फिलहाल, इसी जाएगी एंड ये डाल के आएगी। ये साबुदाना के हैं? हाँ। अच्छा चलो ठीक। हमारे मोहल्ले में ना एक कबाड़ की दुकान खुली, देखो इस तरीके से टीन लगा के, तो आप लोग समझ सकते हो कितना ज़्यादा स्कोप है कबाड़ के काम में, तो आप लोग भी नया काम शुरू कर सकते हो कबाड़ी वाला। एक ये खुली है और एक यहाँ पे खुली है जो पेड़ आपको दिख रहा है, यहाँ पे एक यहाँ पे, मतलब इतने पास पास दो दुकानें बड़ी बड़ी खुली कबाड़ की, कबाड़ में बहुत पैसा है गाइस, लाइक करें। तो गाइस अभी बाज़ार जा रहे हैं, आज बड़े दिनों के बाद बाज़ार जा रहे हैं रेलवे गंजाली, तो मतलब थोड़ा टहलते हैं आज और आपको दिखाते हैं। फिलहाल तो हमें लोहा मंडी तरफ जाना है, जो कि पुरानी गल्ला मंडी है हमारे, जो कि पुरानी गल्ला मंडी हमारे हरदोई की। टाइम हो रहा है 7:07, जो कि आपको नहीं दिख रहा होगा, चलो कोई बात नहीं। ऐसा लग रहा है कि अभी हल्की हल्की धुंध छाई हुई हो, बट धुंध नहीं है, पता नहीं क्या आई है। भाई ये ट्रैक्टर वैक्टर ना जाम लगा देते हैं यार, देखना। अरे यार तो कार आगे सामने से कुछ दिखता नहीं है, ये देखो भाई कितना जाम लगता है इस रोड पर। ये रोड है स्टेशन के पास वाली, ये यहाँ पर सामने स्टेशन है ना, इतना यार यहाँ पे मतलब पतली पतली से रास्ता है, एंड अकेले कैसे व्लॉगिंग कर पाएंगे यार, इसलिए हम करते नहीं हैं ज़्यादा कुछ। फिलहाल एक दो लोग हों साथ में तो मतलब सही से बन जाता है। फिलहाल सामने बजरंगबली जी का मंदिर है, यहाँ मंगल को आए थे फसल आने, एंड अभी फिलहाल हम जा रहे हैं मोहित साहब, देखो थोड़ी देर में निकलते हैं नुमाइश के लिए, और ये वाला व्लॉग फिर आज लेट हो जाएगा, चलो। तो अभी भाई टाइम आ गया है नुमाइश के लिए प्रस्थान करने का, और हम तीन लोग जा रहे हैं, देखो दो लोग ये आ गए यहाँ पे। कंपनी हो तुम लोग? चलो अब कहाँ? अरे यार जल्दी जाओ। तो गाइस हम लोग जा रहे हैं नवाज देखने, वो भी रोहित भैया के साथ, और आज मैं ब्लॉग नहीं बनाऊंगा, बताइए सर। इनके पास इनका फोन ही नहीं तो ब्लॉग क्या बनाएंगे। ये बात तीन लोग जा रहे हैं गाइस, तीन लोग आज। हाँ तीन लोग जा रहे हैं, पीछे एक और है। कम से कम 3-4 ब्लॉग बना लेंगे, फिर पार्ट 1-2-3 करके डालेंगे।
आज हम ये क्या बोलते हैं बाइक इसलिए ले जा रहे हैं, वैसे तो हम ऑटो से ही जाते हैं लेकिन बाइक इसलिए जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पर ना स्टैंड बना हुआ है तो वहाँ पर 10 रुपये पड़ेंगे। पिछली बार समीर लाया था जब लोग मौसम देखने गए थे तो वहीं खड़ी कर देंगे एंड 10 रुपये में। ठीक है, मतलब बाइक सुरक्षित तो रहेगी, कम से कम टेंशन तो नहीं। इस चक्कर में हम ले जा रहे हैं, अगर हम 3 लोग ऑटो जाते तो काफ़ी खर्चा आ जाता, कम से कम 60 रुपये ऐसे भी थोड़ा बढ़ जाए। एंड ये देखो गाइस, यहाँ पे इतने लोग बैठे हैं लाइन से, शाम को तो कम लोग थे अब ज़्यादा हो गए, और देखो इनको तो बिस्कुट बांटे जा रहे हैं यहाँ पे इस तरीके से देखना भाई। तो ऐसे ये लोग ना हेल्प करते हैं लोगों की यहाँ पे, बहुत अच्छी बात है भाई, काफ़ी अच्छी बात है। हम भी कभी अगर करने लायक हो तो हम भी सबकी हेल्प करेंगे कभी। और सामने देखो यहाँ से नुमाइश दिखने लगी हल्की हल्की सी, झूला दिख रहा है बट आपको कैमरे में नहीं आ रहा होगा, बट बनी जूम करो। ये देखो भाई सामने से यहाँ दिखता है बड़ा वाला झूला एकदम मस्त एकदम क्लियर, और यहाँ पे लिखा है पक्षी विहार का बोर्ड लगा हुआ है, फिलहाल तो यहाँ से क्लियर दिख रहा है एकदम। चलो फिलहाल बाइक खड़ी करते हैं एंड चलते हैं झूले वूले के पास। फाइनली गाइस हम लोग पहुँच चुके हैं नुमाइश के अंदर, और आपको दुकानें दिखाते हैं पहले। बेल्ट ये देखना, चद्दर बनियानी 50 रुपया, कालीन दरी, कालीन दरी, इधर देखो कीरिंग, सीनरी दिखती है, सीनरी वीनरी है सब, टॉपटी, ये देखो पौड़िया, चिप्स अंकल चिप्स, मोबाइल कमला पसंद, सुनैना जादूगर तो फाइनली भाई यहाँ पे बाइक एक लगा दी है यहाँ पे, पर्ची लेते हैं सीधा चलते हैं अंदर, दिखाते हैं आपको, ले लो भाई पर्ची ले लो, उसी में दबा दिया है। चलो भाई आ जाओ। तो फिलहाल भाई बाइक यहाँ पे हमने खड़ी कर दी है, इतनी सारी बाइक खड़ी यहाँ पे देखना चारों तरफ, और लाइन से भी आती जा रही हैं आती जा रही हैं। और हेलमेट के लिए बोले कि यार हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, हेलमेट का साथ ले जाओ, तो हम साथ लेके आ गए, काफ़ी शोर शराबा हो रहा है यहाँ पे। और भाई इस समय ना नुमाइश पूरी परफेक्ट लगी हुई है, कोई कमी नहीं है, सारी दुकानें कंप्लीट लग चुकी हैं इस समय। ये देखो भाई यहाँ पे खाने पीने की चीज़ें हैं, कहाँ गए वे, वो जा रहे हैं वो भाई। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सोफ्टी खाते हैं गाइस। तो सोफ्टी कहाँ, सोफ्टी सोफ्टी कहाँ, सस्ती कहाँ मिलती, सस्ती कहाँ मिलती है इस समय ना बिल्कुल भाई परफेक्ट वाली भीड़ है नुमाइश में, बिल्कुल परफेक्ट वाली, एकदम जगह जगह पे खूब तगड़ी भीड़ है। देखो ज्वेलरी जो आर्टिकल ज्वेलरी होती है बहुत बढ़िया बढ़िया मिलता है यहाँ पे गाइस। ये देखो सब लकड़ी का, और ये इतना प्यारा प्यारा है भाई, ये शायद मैंने आपको पिछली बार नहीं दिखाया था बट इस बार दिखा दे रहा हूँ मैं। 50 रुपये हर माल है, कहाँ उधर भी सही है। देखो गाइस पानी में डालने वाला फूल, पानी में हरा हो जाता है ये वो वाला है, ये देखो क्या मस्त क्राउड है आज के दिन। वो झूला देखो यहाँ से दिख रहा है, ये देखो भाई इधर कप वप सब लगे हुए हैं यहाँ पे मस्त एकदम, शीशे वगैरह लगे हुए हैं, अरे लेडीज़ आइटम है सब यार इसके अंदर। आज फिर ये वाला ब्लॉग जो है वो लेट आएगा, बट अगली बार से लेट नहीं होंगे मेरे ब्लॉग, कोशिश तो यही करेंगे। फिलहाल लेट हो जाएगा आज, 10-11 बज जाएंगे इसको भी। बता सबसे पहले क्या करोगे तुम लोग, पॉपकॉर्न, छोटे बच्चे हो क्या, चलो इधर खाते हैं कंपनी कंपनी पॉपकॉर्न बता रहे डीजे मोहित, अरे बहुत लंबा है इनका। आगे भाई अंदर कोई कोना पकड़ते हैं, आराम से बैठ के खाते हैं सॉफ्टी ए ये मोहित स्वाद आ गया, वेरी गुड भाई। देखो सॉफ्टी आ गई है गाइस, आप लोग भी इसमें से मन चम्मच ले लो, बाकी हमारे छोड़ दो, मज़ा आ रही है गाइस। मारो पूरे मुँह ठंडाई को सॉफ्टी खाई के भाई, जब तक सॉफ्टी ना खाओ तब तक लगता नहीं कि नुमाइश आए हो, इसलिए हमने सबसे पहले सोचा कि इस बार सॉफ्टी खाते हैं। भाई ये गोविंद है भाई, इसके साथ हम गए थे पहाड़ी का ब्लॉग बनाने के लिए, तब पता है मेरे 12 सब्सक्राइबर थे, 12 और शायद मेरा तीसरा चौथा वीडियो था यूट्यूब पे। तो ये भाई आज तो यही बातें हम लोग अभी कर रहे थे यहाँ पे बैठे। चलो भैया लाइक करें, देख यू नहीं रहे भाई ये था पार्ट 1, और ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा था ना, इस चक्कर में मैंने छोटे छोटे पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया है। तो ये था पार्ट 1, और कल आप देखेंगे परिमला डांस का पूरा ब्लॉग, तो काफ़ी मस्त है वाला ब्लॉग, आपको पूरा देखे मज़ा आने वाली है, तो कल आप देखना। फिलहाल तो आप, क्योंकि यार ये ब्लॉग ना मतलब आज ही आना था 12 बजे से पहले, चक्कर मैंने छोटा सा कर दिया एंड बस इसको एंजॉय करो, कल बहुत तगड़ा ब्लॉग आने वाला है तो उसको देखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, लाइक सब्सक्राइब कर देना, बाय बाय। ये मोहित तुम बना क्या रहे हो, अरे गोविंद ये बना ही कर रहे हो, देखो कलाकार कहेंगे हाँ, इसको ऊपर से काटो फिर गुलाब का फूल बन जाए।